हाय गाइस, इस वीडियो में हम पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है. ओके, आप चेक कर सकते हैं. इसमें अब जब हम टर्म यूज करेंगे, स्टिग्मा क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, तो आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए. ओके, इसीलिए तो देखिए पहले डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट और अ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज. ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं. तो इसमें क्या क्या हो रहा है? पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे. तो सबसे पहले हमने ये दिखाया है प्रीवियस वीडियो में, पर स्टिल एक और बात दिखा देते हैं. ओके, कि एंथर की आप विजुअलाइज कर सके. अब देखिए पॉलन ग्रेन कहाँ होते हैं? इस फ्लावर को हमें तोड़ना पड़ेगा. ओके, अब आप देखिए हमने आपको पूरा प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है, आप उसको पीछे चेक कर लीजिए, तो उसको आपको सब डिटेल में समझ में आएगा. ओके, अब देखिए इस वाले में ये वाला जो है ये हमारा स्टिग्मा है और ये चिपचिपा भी है. ओके, इसमें थोड़ा सा चिपचिपा सा है. ये हमारा जो है ये वाला, ये हमारा एंथर है. ठीक है, और ये इसका फिलामेंट है. एंथर के यहाँ पे देखिए पॉलन ग्रेन है, इसको छुएंगे, देखिए इसका ये इसका प्रोमिनेंट नहीं होता पॉलन ग्रेन, वरना आप जैसे अनार का फूल होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, उसको छूते ही ना पीला पीला हो जाएगा आपका हाथ में, पाउडर पाउडर, वैसा पाउडरी स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन होता है, ये वाला जो हमारा एंथर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा में चला जाता है, और स्टिग्मा से अंदर जाते 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 अंदर चला जाता है उसमें. इसके बारे में आप पूरा पढ़ेंगे आगे कि कैसे मतलब फॉर्मेशन होता है पूरा सीड वगैरह का, वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी हमें इतना जानना है कि पॉलिनेशन क्या होता है. तो मतलब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, अब देखिए वो ये बात ये कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट. अब ये वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया इसमें सेम प्लांट का हो रहा है ना, क्योंकि ये फूल क्या है, ऑब्वियसली अलग अलग फूल, एक ही फूल है ना, तो उस फूल की अगर आप सोचिए पॉलन ग्रेन उसके एंथर से उसके स्टिग्मा पे जाएगा, तो ये सेम का केस है. अब ऐसा भी हो सकता है भाई कि अब सोचिए इसको जैसे हम लाए, ये हमारे पास एक पौधा था उसमें से एक फूल लाए, अब हमारे घर में इसका एक ही पौधा है, अगर एक और पौधा होता सोचिए ना, और फिर क्या होता, इसके सोचिए पॉलन ग्रेन, देखिए यहाँ पे पॉलन थोड़ा सा लग गया है, ये देखिए देख रहे हैं इसको छूने में, इस एंथर से ये पॉलन ग्रेन है जो ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, तो अगर सोचिए यहाँ से जो पॉलन ग्रेन जो हमारे हाथ में लग गया है, सोचिए वो जाके किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाए, ये वाले पोर्शन में, चिपचिपे पोर्शन में, ये देखिए इसका बाहर ही आ गया. ओके, तो इसमें अगर चला जाए सोचिए इसके अंदर, तो ये भी पॉलिनेशन है. इसलिए ओके, तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यही हमारा मोटिव था ये फ्लावर दिखाने का. ओके, तो अब चलिए इसको आगे पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो हमने ये आपको पहले ही बता दिया था कि प्लांट्स में दो तरह का होता है, एक वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सीड बनता है. तो पॉलिनेशन तब होता है ना, मतलब पॉलिनेशन किस, ऑब्वियसली देखिए इसमें मेल ऑर्गेन, मेल है फीमेल है, हमने दिखाया आपको ना कि एंथर स्टिग्मा वाला जो हमारा है वो मेल पार्ट है. ठीक है, एंथर वाला जो हमारा वो मेल पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हमारा फीमेल पार्ट है, तो दोनों इंपॉर्टेंट. तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस है ये. ओके, अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि इट इज यूजुअली फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन. तो हमने क्या कहा, ये हमारा जो सोचिए स्टिग्मा वाला ऐसे पोर्शन था ना, ऐसे स्टिग्मा वाला पोर्शन था, तो उसमें जाके वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन अंदर आएगा. ओके, सो पॉलिनेशन इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इट इज यूजुअली फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन एंड लेटर बाय फॉर्मेशन ऑफ सीड. हमने बताया कि लास्ट में मतलब लेट बाद में सीड बन जाएगा, पहले क्या होता है फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फिर सीड बन जाएगा. ये हम पढ़ाएंगे आपको ना, अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मैम ये कैसे हो रहा है, आगे पढ़ाएंगे. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, हमने बताया सेल्फ मतलब क्या, समझ में तो आ ही रहेगी, तो बहुत कॉमन टर्म्स है ना, अपने में सेल्फ, दूसरे किसी प्लांट में अगर जा रहा है तो वो क्रॉस. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. सेम पे अगर होगा तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है. जैसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जैसे वीट हो गया, चावल हो गया, ग्राउंड नट हो गया. और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज. स्पीशीज अभी भी सेम है पर प्लांट अलग है. सोचिए ये वाला ये एक प्लांट था, यहाँ पे एक फूल था, इसके फूल से दूसरे के फूल पे चला गया. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, इसका एग्जाम्पल है लेडीज फिंगर, जो भिंडी है, स्वीट पी और पीपल. ओके, अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन बहुत तरह के वेज में होते हैं. ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.